दोनों में क्या फर्क है? ये सब सादा है, ये मावे का। अच्छा, ये मावे का और ये शीरे में डाल दिए। क्या शूज जूता अलग लेना पड़ता है ना? हाँ तो भैया अभी हम मौजूद है बुरहानपुर में। देखो बुरहानपुर में कहाँ घुस गए यार, होटल की चक्कर में। यहाँ कोई होटल होटल नहीं है, ठीक है। हमारे एक भाई है, उनसे फ़ोन किया हमें। ये है लाइफ यहाँ की बुरहानपुर की मार्केट, पता नहीं किधर है ये। जबरदस्त जबरदस्त, मैं तो पहले समझा कुछ सिटी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो खतरनाक है एकदम। देखो मेरी गाड़ी की चैन बहुत आवाज़ कर रही है, पता नहीं क्या हो गया, लूज़ हो गई है कि क्या हुआ है, अल्लाह हु आलम। कमल टाकिस कहाँ है? कमल टाकिस मेरे को कमल टाकिस ढूंढना पड़ेगा, किधर है कमल टाकिस। खट 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 कर रही है चैन यार, देख रहे हो मार्केट, बुरहानपुर की मार्केट। ओए अरे भैया, कमल टाकिस कहाँ पर है यार तू? कमल टाकिस अभी वापस आने का मेरे को कोई मूड नहीं है इधर। ऐसे भूख भी दबा करके लग रही है। शाही किला जामा मस्जिद कमल टाकिस किधर है? अस्सलाम वालेकुम, ये कमल टाकिस किधर है जी? आगे आगे पीछे, पीछे छोड़ दिया। उधर जाना है, ओए भाई साहब वापस जाना पड़ रहा है यार। जितना उधर गया ना उतना उधर ही जाना है मेरे को। पुलिस वाले चाचा, पुरानी कमल टाकिस किधर है? ओए 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 यार, फिर से पूछ लेंगे यार। भाई ये पुराना कमल टाकिस किधर है? सीधा जाना है, सीधा सीधा जाना है। गोप्रो रहेगा तो और मजा आता है, लेकिन गोप्रो है नहीं मेरे पास। ओए भैया बहुत ही भीड़ है यार इधर तो, भीड़ की कमी नहीं है। एक तो चलो लाला, कहाँ पर है कमल टाकिस? कमल टाकिस कमल टाकिस 50। आंटी हटो बाजुक, कहीं मेरे को ये खाली तो नहीं भेज रहे? अच्छा यही है कमल टाकिस। कोई पान का बंदा इधर पान खाने वाला, कोले पान पान। भाई साहब ये कमल टाकिस है, इसके पीछे कैसे जाना है? हाँ वो जो बोर्ड दिख रहे हैं वहां से, कमल टाकिस बहुत परेशान कर रही है। किधर है कमल टाकिस? बंदा बोलता है इसके पीछे। ओए कमल टाकिस किधर है?
और पूछना पड़ेगा। चाचा ये कमल टाकिस किधर है? यही है। अच्छा पान वाले भाई यही क्या फेमस? कमल टाकिस। तो ये आखिरकार हमारी गाड़ी रुकी गई बुरहानपुर में। इनका नाम क्या है? महेश भाई। पान का डब्बा इनके पास ही आना था। और उनका नासिर भाई। तो यहीं कहीं जाना है अभी, गली में चलेंगे। तो भैया अभी हम मौजूद है बुरहानपुर की जलेबी, फेमस जलेबी सेंटर पे। ये मेन मार्केट में है। तो ये है देखो बुरहानपुर जलेबी सेंटर। ये हमारे निज़ामाबाद में भी शॉप है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखेंगे। ये क्या है? दही वड़ा, रसगुल्ला। यहाँ पर बन रही है गरम गरम जलेबी। और यहाँ सारा मीठा है, मीठा। तो गोल हाँ ईदी बाजार में, माशाल्लाह माशाल्लाह। गोलकोंडा के ससुराल है भाई इनके हैदराबाद में। तो बहुत फेमस है ये माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा हटो, थोड़ा आगे पीछे जाओ भाई। तो बनी बनाई जलेबी है ये। अच्छा भाई ये दोनों में क्या फर्क है? ये सब सादा है, ये मावे का। अच्छा ये मावे का है और ये सादा। ये हमारे दुकान की बहुत फेमस है ये। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत पुरानी है फिर। ये हालात में मुमकिन बनाए हैं। ये फेमस जलेबी है यहाँ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ये एक ब्रांच, ये देखो पलटा रहे अभी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी ये चालू हो गया कि चालू होना है? हैदराबाद में चालू हो गई? नहीं हैदराबाद में। हाँ बोले ना, कल भी आया था मैं। तो इनका जो ब्रांच है हैदराबाद गोलकुंडा में भी चालू होने वाला है भाई। बहुत अच्छी बनती है जलेबी मावे की, यानी खोए की जलेबी। ये उठाए और ये शीरे में डाल दिए। माशाल्लाह न्यूज़ वालों ने वीडियो बनाया इनका, NBT न्यूज़। और वो अंदर देखो वो मावा तैयार हो रहा है, खोआ खोआ। यहाँ पर कलाकंद। अच्छा ये कैसा किलो है मावा वाली? 320। और ये सादा 160। हमारा आएगी ना भाई? हाँ जी आ जाएगा जी, आपका भी आ जाएगा माशाल्लाह। तो आधा आधा फर्क है इसमें और उसमें।
प्राइस में। हाँ जी, ये पेपर में नहीं है, चैनल में जाएगा, पेपर में वो आएगा वो वाला। चलो माशाल्लाह। तो भाई यही था, देखो ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर टांगा, और ये सुभाष चौक बुरहानपुर में ये होटल है, छोटी है लेकिन फेमस बहुत है माशाल्लाह, बहुत यहाँ पर ग्राहक होता है। अभी हम चलेंगे यहाँ से। तो भैया जलेबी देखने के बाद हम आए हैं चौपाटी बुरहानपुर। यहाँ पर देखो सब होटल, छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, यानी कि बंडी बंडी लगी हुई है, बंडी हमारी भाषा में बंडी, गच्चुप की बंडी, मिनी पिज्ज़ा, ये दोनों साइड में यही है, ये है गच्चुप। आई थिंक ये गोला है, गोला। बुरहानपुर का चौपाटी, चौपाटी। यहाँ पर बन रहा है वड़ा पाव, वीडियो बना रहा है, वीडियो तुमको YouTube में डालेगा। ये भैया बुरहानपुर की नाइट लाइफ देख सकते हैं, पूरे वही है चौपाटी पे, गांधी चौक चौपाटी। अभी आगे तक तो है नहीं, यहीं तक, यहीं पर एंड होता है। देखो भाई साहब ने गच्चुप का तिरंगा बना दिया यार, ये देखो। हाँ भाई कुछ नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी भाई हम लोग घूम रहे हैं लोकल मार्केट बुरहानपुर का, ये है गांधी चौक, तो भैया बुरहानपुर की नाइट लाइफ कुछ ऐसी है देख सकते हैं आप। और बुरहानपुर से हमको कहीं और भी जाना था, वो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो समझ जाओ कि हमारे को कहाँ जाना था। ये बुरहानपुर के गलियाँ, टाइट टाइट गलियों में हम लोगों ने बहुत बहुत घूमा, बहुत घूमा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिटी है बुरहानपुर, विजिट करिए क्योंकि हिस्ट्रिकल सिटी है, आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। माशाल्लाह।